क्लास मेमिलिया यानी मेमल्स, हाईली डेवलप, सबसे ज्यादा डेवलप मानते हैं इनको, ऐसा मानते हैं कि जो एमनियोड्स हैं उनसे बर्ड्स और रेप्टाइल का डेवलपमेंट हुआ। इसी से एक ब्रांच निकली जिसे बोला सिनेप्सिड्स, उससे थेरेप्सिड्स और फिर मेमल्स। मेमल्स के थ्री टाइप्स, मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मेमल्स। मार्सुपियल्स वो जो कि ब्रूड या पाउच रखते हैं, मोनोट्रीम्स एगलिंग मेमल्स होते हैं, और प्लेसेंटल मेमल्स यानी कि टू मेमल्स जो हैं। इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ। जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो वार्म ब्लडेड होते हैं, और इनकी जो विशेषता है कि इनके मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करती है, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको नरिश करने के लिए मिल्क का प्रोडक्शन करती है। ये होमोथर्मल यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। स्किन पर टू टाइप की ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम है स्डोरीफेरस ग्लैंड, प्रेजेंट होती है स्किन में। टीथ की बात करेंगे तो हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब जो टीथ है ये अलग अलग टाइप के होंगे, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इस तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए इनको हेट्रोडोंट बोलते हैं। और चूंकि ये जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं इसलिए इसे बोलते हैं थीकोडोंट, और लाइफ में दो बार आते हैं, ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इसलिए इनको बोलते हैं डाइफोडोंट, यानी कि हम इसे बोलते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। कुछ मैमल को छोड़ दें तो मैमल्स के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज पाई जाती है नेक के अंदर। नेक के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उनके नंबर होते हैं 7। ये डिफरेंट एनिमल ग्रुप के स्कल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है और उनके अंदर कैसे जो जॉ है वो प्रेजेंट होता है। इनका स्कल जो है मैमल्स का वो होता है डाइकोंडाइलिक, और 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन लंग के थ्रू होता है। बॉडी में मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है जो कि बॉडी को अलग अलग कैविटी में, ऊपर की थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिन कैविटी में डिवाइड कर देता है। थोरेक्स और एब्डोमिन में ये इसको डिवाइड कर देता है। सिलोम जो है वो 4 कैविटीज में डिवाइड होती है। प्री कार्डियल कैविटी यानी कि जो हार्ट के पास में पाई जाती है, 2 प्लूरल कैविटी यानी कि जो लंग्स के पास में, लंग्स पेयर में होते हैं इसलिए 2, और 1 एब्डोमिनल कैविटी, ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर, ये एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ बीच में जो हार्ट प्रेजेंट होता है और दोनों तरफ जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से 4 कैविटीज होती है सिलोम के अंदर। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। साइनस विनोसस अब पूरी तरह एब्सेंट हो गया। आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं है, विदाउट न्यूक्लियस है, और रीनल पोर्टल सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। ब्रेन जो है वो लार्ज सेरेब्रम और सेरेबेलम से बना होता है, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम से बना होता है, और इसके अंदर जो ऑप्टिक लोब है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना यानी कि 4 लोब से डिवाइडेड होती है। कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है जो कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इंटरनली ज्वाइन करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, और इनके बीच में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है कॉर्पस कैलोसम, जो कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में इंटरनली जोड़ने का काम करता है। आप ब्रेन में ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ये साइड में जो होती है वो टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब प्रेजेंट होती है, और ये जो नीचे की तरफ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये इसका हो गया ब्रेन स्टेम, जिसके अंदर मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला आते हैं, और पीछे की तरफ जो आपको ये ट्री जैसा कुछ दिख रहा है ये है सेरेबेलम। ये आपको जो मिड में ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये वेंट्रिकल्स हैं। ब्रेन का बीच का हिस्सा खोखला होता है, ये कुछ वेंट्रिकल्स हैं इसकी। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, और जो ईयर है वो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर में डिवाइडेड होता है। इंटरनल ईयर के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉटाई प्रेजेंट होता है, ये है ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो कि हियरिंग का, सुनने का काम करता है। डिटेल आप इसकी फिजियोलॉजी वाले लेक्चर में देख सकते हैं इसको। और एक और बात, 3 बोनी ईयर ऑसिकल्स पाई जाती है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज जो सबसे छोटी बोन होती है। एग लिंग मेमल्स को अगर छोड़ दें तो विवीपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मदर की वोम में होता है। प्लेसेंटा पाया जाता है इनके अंदर, और
एमनियन, कोरियन, एलेंटोइसेन एंड योक सैक, ये चारों जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। एग लाइक मेमल्स के अंदर ये नहीं प्रेजेंट होती, प्लेसेंटा एब्सेंट होता है एग लाइक मेमल्स के अंदर। मेमल्स हैं लगभग अर्थ पर सभी जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया, अगर ओवीपेरस की बात करेंगे तो ऑर्निथोरिंकस यानी कि डकबिल प्लेटिपस और टेकोग्लोसस यानी कि एक्डिना स्पाइनी आंट इधर से बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको बच्चे के साथ में ब्लू कलर से दिखा रखी है ये तो है अम्बेलिकल कोड, और इस कोड के साथ ये जो पूरा पार्ट है ये है प्लेसेंटा, जो कि कुछ भाग मदर के टिश्यू से और कुछ भाग फीटस के टिश्यू से बना होता है। ये जो पूरा पार्ट है ये प्लेसेंटा कहलाता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर सब क्लास प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया जो प्रोटोथीरियंस है प्रिमिटिव मैमल्स, ये ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के आइलैंड जैसे तस्मानिया और न्यू गिनी में मिलते हैं। एग लेइंग इनकी हैबिट होती है और इनके अंदर क्लोइका प्रेजेंट होता है, यानी कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और जो एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग है वो एक ही चैम्बर के अंदर होती है और अंडे देते हैं, इसलिए ये मैक्रोलेसिटल एग्स प्रोवाइड करवाते हैं। सब क्लास जो प्रोटोथीरिया है इसके अंदर ऑर्डर आता है मोनोट्रीमेटा, जिसके अंदर आएगा ऑर्निथोरिंकस एंड एक्डिना। आप यहाँ देख सकते हैं ये मोनोट्रीम्स हैं, स्पाइनी आंट ईटर एंड डकबिल प्लेटिपस। आगे बात करें यदि थीरिया की, सब क्लास थीरिया जिसके अंदर जो बच्चे देते हैं यानी कि मेटाथीरिया और यूथीरिया में इसको डिवाइड किया गया है। मेटाथीरिया की बात करें यदि तो इसके अंदर आएंगे मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स वो जो कि अपने बॉडी में ब्रूड या पाउच रखते हैं जिसके अंदर वो डेवलपिंग बच्चों को रखते हैं। कंगारू इसका एग्जांपल होता है, सिर्फ कंगारू इसका एग्जांपल नहीं होता है, इसके अंदर और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ब्रूड पाउच पाया जाता है, जैसे कि मैक्रोपस, डाइडेलफिस, कोआला, ये सब मार्सुपियल्स हैं। और यूथीरिया की बात करेंगे जो कि ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है और एम्ब्रियो जो है कम्प्लीटली यूटरस के अंदर डेवलप होता है। ये प्लेसेंटल मेमल्स है, जैसे आप देख सकते हो ये टाइगर है और ये आपकी हो गई डॉल्फिन, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, होमोनॉइड्स और बहुत बड़ी सी शाखा है इसकी मेमल्स की, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। इतने डिटेल में हमें नहीं जाना है।